Hey guys, what's up? Welcome back to the channel and in a new episode. तो भाई आज के दिन की शुरुआत कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अपने बालों की केयर कैसे करें, मतलब वो सारी घर के नुस्खे होंगे। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके बाल बहुत थिन हो रहे हैं तो उन सारी चीजों से कैसे कवर अप करें, कैसे सही होंगी वो सारी चीजें। तो भाई जो चीज मैं फॉलो करता हूँ मैं वो चीजें आपको दिखाऊंगा, मतलब करके कि मैं रोज क्या करता हूँ, मेरा क्या रूटीन होता है। कि अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपको भी हेल्प होगा। ऑल्सो आज मेरा शूट है तो जिसके लिए मैं प्रैक्टिस करने भी जा रहा हूँ। आशू स्टूडियो में है, आशु के साथ कोलैब है तो मैं और आशु का वीडियो शाम में शूट होगा जिसकी प्रैक्टिस हम लोग सोच रहे थे आज दिन में कर लें, क्योंकि कल ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को शूट करना है और प्रैक्टिस की, कोरियो किया सब कुछ, फिर आज हम लोग प्रैक्टिस करके रात में शूट करते हैं। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहली चीज की जो हमें ध्यान देना है कि हेयर फॉल कैसे रोका जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है डाइट। हमें अपनी डाइट को बहुत इम्प्रूव करना है। तो जैसा कि आपने सुबह देखा मेरी डाइट क्या थी, मैंने एक लड्डू खाया और साथ में पिया मिल्क। उस लड्डू में ड्राई फ्रूट्स थे और शुगर बिल्कुल भी नहीं था, तो वो काफी हेल्दी था। वो गुड़ से बनता है, बहुत ही कम गुड़ था, बहुत ही कम स्वीटनेस थी उसमें, और साथ में मिल्क भी पीना है क्योंकि मिल्क में होता है विटामिन डी। जो हम लोग का हेयर फॉल होता है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोग की बॉडी से बहुत ज्यादा डी लैक हो जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट ये रहा, मतलब खाओ पियो हर एक चीज, बट थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये सारी चीजें हमें जरूर खाना है, तो वो चीज आप भी खाते रहो। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है जो कि हमें करना चाहिए, वो ये है कि हमें वर्कआउट करना चाहिए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो, डांसिंग, स्विमिंग, रनिंग या वर्कआउट, जिम, कुछ भी आपको करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी पे। चीज आती है रेगुलर ट्रिमिंग। हमें अपने बालों को रेगुलर थोड़ा थोड़ा ट्रिम कराना चाहिए। अगर कोई ऐसा है जो बाल बड़े करना चाहता है, लॉन्ग हेयर रखना चाहता है, तो ये मत सोचो कि भाई बालों ना जाए, ट्रिमिंग ना करें। भाई रेगुलर ट्रिमिंग कराना बहुत जरूरी है। तो अभी चलते हैं सलोन, बालों को ट्रिम करते हैं। तो गाइस बालों को मैंने ट्रिम करा लिया है, साथ में मैंने बियर्ड भी कराई थी, बट बियर्ड उसने अच्छे से किया नहीं। मैं घर जाके फिर से ट्रिम करने वाला हूँ, थोड़ा सा सेट करूंगा। तो गाइस आज जो मैंने जूस लिया है वो आमले का नहीं है, मिक्स है। मतलब जरूरी है कि रोज तुम आमला पियो, एक से दो तो ले सकते हो आमला, बट मैं कभी कभी ना ऐसा करता हूँ क्योंकि मेरा बीच में ज्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, इस वजह से मैंने पूरा ग्लास में आमले का जूस पीता था, बट वो प्रॉब्लम देता है, इतना ज्यादा हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते आमला को, गूसबेरीज को। इस वजह से मिक्स पियो, मिक्स जूस में आप डलवा लो आमला 3 से 4, वो भी बढ़िया रहता है। टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ भाई, अच्छा तो नहीं होता ये वाला भी, बट मैंने इतना आमले का जूस गंदा वाला पिया है, इतना कड़ू होता है वो, तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। सो अभी हम लोगों ने 3 चीजें कवर की हैं, फर्स्ट इज डाइट, सेकंड इज वर्कआउट एंड थर्ड इज रेगुलर ट्रिमिंग। ठीक है, बाकी चीजें भी मैं बताऊंगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर फॉल रोकने का कि बालों में ऑयलिंग करो। मैंने वो क्लिप डाली नहीं है इस वजह से क्योंकि आज मैं ऑयलिंग नहीं करूंगा, अपने बालों पे तेल नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा शूट है। अगर मैं तेल लगाऊंगा तो फिर वो मतलब ऐसा पफी बाल नहीं रहेंगे, तो इस वजह से आज नहीं कर रहा। बट अगर आपको केयर करना है तो आपको रेगुलर ऑयलिंग करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं अभी निकल रहा हूँ स्टूडियो के लिए और अब होगा शूट। शूट की BTS जरूर देखना क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा अलग कुछ ट्राई करने वाले हैं, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा फन फैक्टर होगा। चलो मिलते हैं आपसे। तो भाई बाल भी सही लग रहे होंगे, शाइन कर रहे हैं, ऐसे कर लेंगे फिर भी बड़े हो जाएंगे तो आगे के फिर भी रहेगा, पफ रहेगा ऊपर। अच्छा लेंथ दिखाओ जरा, कितने? मेरे भी देखो यार, सेम सेम लेंथ। तो बस यही राज है हम लोग का लहरते रेशमी बाल। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। BTS बढ़िया बढ़िया BTS देखो आप लोग, एंजॉय करो। भाई वाला शॉट हो नहीं रहा है बट होगा। चलो आओ दोनों लोग, अब एकदम आराम से आ जाएगा, बस इसको पीछे छुपा लो, चेक करो, लाइट जलाओ, खींचो बट नीचे बैठ, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। बस हम फर्स्ट
क्या 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 रुक जा 3 4 5 6 7 8 ये खींचा जा रहा है ये नो 1 2 3 4 5 6 7 8 बस हो गया सही है आज तो ये खींचना है ऐसे खड़े होके 1 2 3 4 बस रुक जाना है हम लोग ये अपने आप से करेंगे वहीं पे बैठ के बस फोर तक उसके बाद कुछ नहीं एक बार इसको खींच लेगा वो ताला आ रहे ताकत लगाओ आ रहे तो तुम राइट उधर चले जाओ ना छुप जाओ हाँ इधर छुप जाओ खींचो तुम मोटे हो गए प्लीज यार बुरा लगता है भाई आप 1 2 3 स्टॉप ना मेरे क्यों नहीं जा रहे अब की ना हुआ ना तो हां भाई अब खींचो So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया भाई तो गाइस शूट हो गया है कंप्लीट अभी ना हम लोग आए खाना खाने आज का जो शूट था बहुत ज्यादा टेक्निकल था इतने ज्यादा मैं BTS ले नहीं पाया मतलब वो रस्सी वाला जो था मैं बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी इस वजह से भाई उसके बाद मैंने ली नहीं I swear, इससे बड़ा जाम मैंने आज तक नहीं देखा 2 किलोमीटर से लगा हुआ है और मैं ऑफ साइड से मैं ओवरटेक करके सबको जा रहा हूँ भाई ऑल्टो का फायदा सच में बहुत है बस कोई चुम्मी ना देते बगल से निकल के तो गाइस करते हैं वीडियो को यहीं पे खत्म मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बाय गुड नाइट हैव अ ग्रेट डे बाय कोकोनट ऑयल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप साइड साइड नहीं सेंटर पे लगाओ मैं इसकी ऑयलिंग यहाँ पे इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं थोड़े थोड़े 7 टोटल 7 तो ये ऑयलिंग मैंने शूट वाले दिन नहीं किया है उसके अगले दिन किया है तो गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हम लोग का लीवर ऑयल कैप्सूल्स है जो कि हम लोग लेते हैं जिसमें कि विटामिन ए और विटामिन डी बहुत ज्यादा रिच होता है तो इस वजह से इसके बेनिफिट्स बहुत है लाइक फॉर एग्जांपल बोन्स के लिए अच्छा है लीवर के लिए अच्छा है जिनको आर्थराइटिस है उनको अच्छा है बट फिलहाल टॉपिक से हटेंगे नहीं तो फिफ्थ पॉइंट मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूँ कि मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ था इसको लेके लाइक जो चीजें मैंने अप्लाई की थी अपने ऊपर उनसे मेरे बाल काफी ज्यादा हैवी हुए हैं और यही सारे 5 रीजन है जिनकी वजह से बेटर हो रहे हैं डे बाय डे तो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपको अगर वो सारी चीजें कवर अप करना है तो नाउ फाइनली एंड करते हैं व्लॉग को यहीं पे थैंक यू सो मच आपने यहां तक वीडियो को देखा थैंक यू सो मच तो अभी जल्दी से रात हो रही है एक कैप्सूल लेके सोते हैं एंड वी डन बाय बाय